अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और हैरियत होंगे। सो वेलकम टू अबीरा ब्रिक्स ब्लॉग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अभी है मैं रखने लगा हूँ, अभी शहरी का वक्त है, अभी मैं कर रहा हूँ शहरी। और अबीरा ब्रिक्स ने रोज़ा नहीं रखा, अबीरा का हुआ है टेम्परेचर, और अभी इसलिए मम्मा ने अभी को भी नहीं रखवाया है। अभी मैं सारी कार से आते मिलता हूँ जी। तो फ्रेंड, अभी मैंने सारी कार ली है, मैंने भी मेहनत भी कर ली है, पहला पाक कर दी अपनी पर सही। और आप पर भी रमजान खास रहम करें। अब मैं पढ़ने लगा नमाज, और नमाज पर क्या चल जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कर रहे हैं कचौरियाँ की तैयारी। यहाँ पे हमें कर रही हूँ ऑनियन को ब्राउन। ये एकदम हम लोग पूरी केयरफुल से करेंगे, कोई छिलका पड़े इनको हम लाइट ब्राउन करेंगे अच्छे से, हल्की आंच पे हम इसको ब्राउन करेंगे। हम लोग डालेंगे सॉल्ट इसमें, ब्लैक पेपर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे सफेद जीरा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर इसको हम लोगों ने नीचे उतार लिया, रेशी की है इसके हमने। यहाँ पे हम लोगों ने इसको गैस पे नीचे उतार लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने चिकन के पीसेस किए हैं, चिकन के। तो हमने चूल्हे से नीचे उतार के अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर रहे हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तेज आंच पे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो डालेंगे मैदा, अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने जैसे कि देखा है, हम लोगों ने अभी कचौरियों का जो मिक्सचर होता है वो हम लोगों ने क्या कर लिया, अब हम लोगों ने उसको कर लिया है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम आगे की रेसिपी कॉन्टिन्यू करने वाले हैं। इस मिक्सचर को रिफिल, और रिफिल अभी हम आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे।
ये देखिए गाइस, हमने ये बॉल्स बना लिए कचौरियों के लिए। हम लही तैयार करेंगे। दो चम्मच मैदा डालेंगे और इसके अंदर पानी डाल के हम हल्का हल्का लही को तैयार करेंगे। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि लही के लिए भी हिसाब का पानी डालना होता है और मैदा भी हमने हिसाब का ही डाला। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये इसके अंदर गिल्टी ना आए, जैसे अंडे को बीट करते हैं वैसे इसको बीट करना। ये देखिए इसके अंदर कोई गिल्टी नहीं है, मतलब है ना एकदम सही परफेक्ट वाला बन चुका है। मेन प्रोसेस अब इसका ये है, हमारी शेल्फ एकदम क्लीन है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, लही का पेस्ट ऐसे करेंगे। आप भी हमारे साथ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके पूरी कचौरियां तैयार करें। ऐसे ही हम इसको छोटू छोटू सा स्मॉल स्मॉल से पीसेस में कर देंगे ऐसे। ये अभी इसको साइड पे रख, और फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। ऐसे ही हम पूरे के पूरे बॉल से ऐसे पूरा प्रोसेस कर लेंगे। लही का भी इसमें यूज है। लही हमें काम आती है इनको जोड़ने में। अगर ये जुड़ती है ना तो फिर बार बार खुल जाती है, ये लही इसलिए इस्तेमाल होती है। अब हमने इसमें ऑयल ऐड की है क्रिस्पी बनाने के लिए, क्योंकि जो वो होती है ना क्या कहते हैं कचौरी, वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती है, तो वो इसकी वजह से बनती है एकदम, और वो यम्मी भी हो जाती है एकदम। गाइस, हम लोग घर पे ही इतने मजे मजे की कचौरियाँ, पकोड़े, रोल, समोसे ऐसे अगर हम लोग घर में बनाते हैं ना खुद से, तो वो इतने मज़े के बनते हैं। बाहर वाली जो हम समोसे लेते हैं उनकी चटनी भी इतनी पतली पतली होती है ना, और दूध भी बड़ा पतला पतला आता है। अब ये पूरा काम डन हो चुका है। अब हम लोग है ना इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग ऐड करते हैं यहाँ पर, हम इसको दोबारा से ऐसे बॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अभी मैदा डाला है, थोड़ा सा ही डाले, ज्यादा नहीं ताकि वेस्ट ना हो। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम मैदे में डिप करके ऐसे फिर इसको हम रोल करेंगे। रोल नहीं मतलब बेलेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग इसकी फिलिंग कर रहे हैं, वो जो हम लोगों ने फिलिंग का पेस्ट बनाया था, अब हम लोग इसको ऐसे पैक कर रहे हैं। ये हमारी कचौरी अभी तैयार होने वाली है, ऑलमोस्ट अभी हो गई है ये। हम इसको शेप पे ला दे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे ही हमारी कचौरी रेडी हो गई है। एंड गाइस, ये जो हम लोग गैस वाला काम करते हैं, ये मेरे साथ तो कोई बड़ा होता ही है। आप लोग भी अगर कोई गैस वाला काम करते हैं तो अपने साथ किसी बड़े को रखें, वरना आपका हाथ भी जल सकता है और आप लोगों के बहुत जोर से लग भी सकते हैं। अब हम सारी ऐसे ही एकदम रेडी कर लेंगे। बहुत मज़े की अभी तो लग रही है ये, फ्राई होने के बाद भी बहुत अच्छी बन रही है। अगर आपको इसकी लुक अच्छी लग रही है तो
तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 hours later. जी तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। इसी के साथ करते हैं हम अपना आज का व्लॉग एंड। अगर आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इसलिए आप लोगों को